स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉन्स बिरयानी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम प्रॉन्स लिया है, उसे क्लीन कर लिया है और उसे मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के लिए आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर और टमाटर का पेस्ट, जो मैंने 3 टमाटर लिया है उसे पेस्ट करके इसमें डाला है और इसे मैरिनेट कर लिया है और इसे आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम राइस लिया है, उसे सोक कर लिया था पानी में थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर इसे स्ट्रेन कर लिया है और इसे प्लेट पे निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला, थोड़े से काजू और किशमिश लिया हुआ है और खड़े गरम मसाला लिया हुआ है, इसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है और 4 प्याज को मैंने लंबे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। खड़े गरम मसाला में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 इलायची, हरी इलायची, 1 छोटी स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टार अनियन और 2 लौंग और थोड़ी सी जावित्री। एक गरम कढ़ाई पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करें। ऑयल जब गरम हो जाए तो इसमें मैंने ऐड किया है खड़े गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद मैंने राइस ऐड किया है। किशमिश भी ऐड कर दें, काजू भी और फ्राई करें। यहाँ पे राइस फ्राई हो रहा है, इसे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं राइस फ्राई हो गया है, इसे हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। और वापस मैंने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा, मुझे अनियन को गोल्डन फ्राई करना है। अनियन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। अब ये हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब इसे दूसरी प्लेट में निकाल लें। अनियन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसी पैन में हमें प्रॉन्स को फ्राई करना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉन्स फ्राई हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर दें। अभी मैंने प्रॉन्स के ऊपर अनियन का लेयर दिया है, देन राइस ऐड करूंगी। नेक्स्ट मैंने प्रॉन्स के ऊपर फ्राई किया हुआ राइस को अच्छी तरह से फैला दिया है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा अनियन स्प्रिंकल कर दें। अब बारी है पानी डालने की।
हमने चावल जितना लिया था उसका 2 गुना पानी हमें ऐड करना। अभी मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। इसके बाद हम डालेंगे एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला। इसे ढक दिया है और इसे लो फ्लेम पे मैं 15 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। राइस हमारा कुक हो रहा है फ्रेंड्स। पंद्रह मिनट हो गए हैं और हमें चेक कर लेना है कि राइस हमारा अच्छी तरह से कुक हुआ है या नहीं। मैंने चेक कर लिया है, राइस हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं अनियन स्प्रिंकल कर रही हूँ। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे वापस कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। सो फ्रेंड, रेडी हो गया है हमारा प्रॉन्स बिरयानी। मैंने इसे रायता के साथ सर्व किया है। आप अपने मनचाहा रायता के साथ सर्व कर सकते हैं इसे और इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय।